तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है बदायूं नामक गांव की, जहां प्रिंस और हैरी दो दोस्त रहते थे। दोनों ही अनाथ थे, इस कारण एक साथ ही रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में सब उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। बचपन से युवावस्था तक उनकी दोस्ती दिन पर दिन और गहरी होती जा रही थी। अक्सर वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। एक दिन दोनों कॉलेज की कैंटीन पर साथ बैठे थे, तभी वहां कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की परी आती है। परी की खूबसूरती देख प्रिंस और हैरी भी उसे मन ही मन पसंद करने लगे। सब लड़के उसे अपना बनाना चाहते थे, साथ ही दोनों दोस्त को भी वो बहुत पसंद थी। फिर एक दिन हैरी प्रिंस को कहता है, या प्रिंस, आज तक मैंने तुझे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताई है। एक बात है जो मेरे मन में है, मैं तुझे बताना चाहता हूँ। बता यार, ऐसी क्या बात है जिसे बोलते हुए मेरे दोस्त के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वो मुझे एक लड़की पसंद है। क्या सच में? वाह भाई, मजा आ गया, पार्टी तो बनती है बॉस। वैसे कौन है हमारी भाभी? हमारे ही कॉलेज की है। वैसे मुझे भी हमारे कॉलेज की एक लड़की पसंद है। अच्छा, तू तो बहुत छुपा रुस्तम निकला, बता कौन है वो? नहीं, पहले तू बता। चले काम करते हैं, दोनों एक साथ नाम लेते हैं। फिर दोनों दोस्त परी का नाम एक साथ लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। भाई तुझे भी परी पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, परी तेरी ही होगी। नहीं नहीं भाई, परी तेरी होगी, बस मुझे पसंद थी वो, पर मेरे दोस्त का प्यार है तो वो अब तेरी ही होगी। चले काम करते हैं, दोनों एक साथ परी को प्रपोज करते हैं, और परी जिसको भी हाँ बोलती है वो उसी की होगी, और इस बात का हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है? हाँ भाई, ये क्या कहने वाली बात है, हमारी दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता, लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त परी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, परी हम दोनों को तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। वो बात ये है कि हम दोनों तुम्हें पसंद करते हैं, अब तुम देख लो तुम किसको पसंद करती हो। ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों, प्रपोज भी एक साथ करने आए? अगर मैंने एक को पसंद कर लिया और दूसरे को मना कर दिया तो तुम दोनों की दोस्ती खराब हो जाएगी। दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम क्या, कोई भी हमारी दोस्ती के बीच नहीं आ सकता। तुम एक को हाँ करोगी तो दूसरा तुम्हें भाभी ही मानेगा। वाह क्या दोस्ती है, तुम दोनों के जैसी दोस्ती मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है, मुझे तुम दोनों को समझने के लिए समय दो और जो भी मुझे पसंद आएगा मैं बता दूंगी। ठीक है। फिर दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन से परी, हैरी और प्रिंस एक साथ घूमने फिरने लगे। दोनों दोस्तों का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, जिस वजह से परी भी धीरे धीरे दोनों को पसंद करने लगी। उन तीनों की दोस्ती देखकर सब उनसे जलने लगे। फिर एक दिन उनके कॉलेज के लड़कों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनको मारने लगे, लेकिन दोनों ने उनका अच्छे से सामना किया। फिर वो लोग रोज परी को परेशान करने लगे। एक दिन शाम को उन लोगों ने परी को घेर लिया और उसे परेशान करने लगे, लेकिन हैरी ने आकर उसकी मदद की, जिससे हैरी उसकी नजरों में हीरो बन गया। और फिर ऐसे ही एक बार परी फिर मुसीबत में फंस गई। इस बार प्रिंस ने उसकी मदद की, और फिर एक दिन हैरी ने अपने प्यार का इजहार परी से दोबारा किया, परी मान गई। फिर अगले दिन परी और हैरी प्रिंस को ये बात बताने जा रहे थे, तभी हैरी देखता है कि प्रिंस फोन पर बात कर रहा था, और उसे ये एहसास भी नहीं था कि एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आ रहा है। फिर हैरी दौड़कर प्रिंस के पास जाता है और उसे धक्का दे देता है। प्रिंस दूर गिर जाता है और हैरी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर प्रिंस उठकर हैरी के पास जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। कुछ घंटे ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर प्रिंस को कहते हैं, आपका दोस्त अब खतरे से बाहर है,
पर क्या डॉक्टर, उसके सिर पर बहुत चोटें थी, आगे जाकर उसकी आंखें भी जा सकती हैं। पर इससे बड़ी दुख की बात यह है कि ज्यादा खून बहने की वजह से उसके पैरों में इन्फेक्शन हो गया था, जिस कारण हमें मजबूरन उनका एक पैर काटना पड़ा। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? प्रिंस ये बात सुनकर बहुत रोने लगता है, पर हिम्मत करके हैरी के पास जाता और उसे कहता है, ये सब तूने क्यों किया यार? मुझे बचाने के चक्कर में देख तूने अपना क्या हाल बना लिया, इससे अच्छा तू मुझे मर जाने देता। पागल है क्या तू? सिर्फ दोस्त नहीं है मेरा, मेरी दुनिया है, मेरा परिवार है। मेरी जगह तू होता तो तू भी यही करता। कुछ दिनों बाद हैरी हॉस्पिटल से घर आ जाता है और परी उससे मिलने आती है। कैसे हो हैरी? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुमने जो अपने दोस्त के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता, पर असल जिंदगी में मुझे मेरा पार्टनर सही सलामत चाहिए, और तुम तो जानते ही हो कि अब तुम नॉर्मल नहीं हो। बुरा मत मानना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, पर तुम अब अपाहिज हो। तुम गरीब थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर अपाहिज से मैं प्यार नहीं कर सकती। परी की यह बात प्रिंस सुन लेता है और गुस्से से उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को अपाहिज कहने की? अच्छा हुआ तुमने मुझे हाँ नहीं बोला। और एक बात सुन लो, तुम जैसी लड़की मेरे दोस्त के लायक नहीं है। जो इंसान को उसके मन से पसंद नहीं करती बल्कि शरीर से करती है। कल तक ये सही था तो तुम इसके साथ रहना चाहती थी, और आज मुसीबत क्या आ गई, भाग गई। मेरे दोस्त को किसी की जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए अकेला ही काफी हूँ। इतना सुनकर परी वहाँ से चली जाती है और फिर हैरी प्रिंस को कहता है, यार परी कुछ गलत नहीं बोल रही थी, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ तो कोई क्यों मेरे साथ रहेगा? कोई रहे या ना रहे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। समय ऐसे ही बीत रहा था। प्रिंस ने हैरी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि वो अब अपाहिज था। उसकी हर छोटी सी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन प्रिंस खाना बना रहा था, तभी उसे अचानक हैरी के चिल्लाने की आवाज आई। प्रिंस भागकर हैरी के पास जाता है, तभी हैरी कहता है, प्रिंस मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या हो रहा है? हैरी बहुत घबराया हुआ था और उसे गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वो अपने आसपास पड़ी चीजों को फेंक रहा था। फिर प्रिंस उसे गले लगाता है और कहता है, हैरी शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, मैं सब सही कर दूंगा और तुझसे वादा करता हूँ कि तू देख पाएगा। प्रिंस हैरी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। हमने आपको बताया था कि हैरी की आंखों की रोशनी कभी भी जा सकती है, और ऐसा ही हुआ। इन्फेक्शन होने के कारण वो अब कभी नहीं देख पाएगा। हम उसका इलाज कर देंगे, अगर हमें कोई डोनर मिल जाए तो वो फिर से देख पाएगा, पर डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। अगले दिन हैरी का ऑपरेशन हो जाता है और वो दोबारा से देखने लगा। प्रिंस को अपने पास ना पाकर हैरी डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर मेरा दोस्त जो मुझे यहाँ लाया था वो कहाँ है? आज तक मैंने ऐसी दोस्ती नहीं देखी। जो उसने तुम्हारे लिए किया है वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? फिर डॉक्टर हैरी को प्रिंस के पास लेकर जाते हैं और हैरी देखकर चौंक जाता है कि उसको आंखें डोनेट करने वाला कोई और नहीं था बल्कि प्रिंस था। हैरी प्रिंस को गले लगाते हुए कहता है, ये क्या किया तूने दोस्त, मैं तो पहले से ही अपाहिज था, तूने अपनी जिंदगी क्यों खराब करी? दोस्ती के सारे फर्ज तू ही निभाएगा क्या? कुछ मेरे लिए भी छोड़ दे, मैंने तुझे वादा किया था कि तू देख पाएगा। फिर हैरी और प्रिंस दोस्ती की सच्ची मिसाल बन जाते हैं। बिना अपने बारे में सोचे दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और खुशी खुशी साथ में जिंदगी जीते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।